हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई फ़ोटो गलती से डिलीट हो गया है आपके फ़ोन से, या फिर आपने कुछ साल पहले कोई फ़ोटो डिलीट किया है और वो फ़ोटो आप अपने फ़ोन में वापस लाना चाहते हैं तो कैसे ला पाएंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे कमाल का अल्टीमेट रियल ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका डिलीटेड हुआ फ़ोटो वापस आपके फ़ोन में आ सकता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखते रहे, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्त आप डिलीटेड फोटोज़ को वापस लाना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आना है, अपने मन मुताबिक आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं ना लिख डालिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ओके, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपका डिलीटेड फ़ोटो वापस आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। मैंने इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप सिंपल तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पर है रिकवर फोटोज़, रिकवर वीडियोज़, रिकवर ऑडियोज़, रिकवर व्हाट्सएप डाटा, यानी कि आपका कोई व्हाट्सएप डाटा डिलीट हो गया है, जैसे कि चैट्स, इमेज, ऑडियो क्लिप, वीडियो, तो वो भी आप अपने व्हाट्सएप में रिकवर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, जैसे कि रिकवर फ़ोटोज़। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये पूरे फ़ोन को स्कैन करेगा और जहाँ जहाँ पर भी डिलीटेड फ़ोटोज़ है वो फ़ोटोज़ को यहाँ पर लाकर रख देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1516 फ़ोटोज़ मेरा लाकर रख दिया है। सिंपल हम इस पर ओके पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद भाई साहब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा डिलीटेड फ़ोटोज़ तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इस एप्लीकेशन का एक सच्चाई भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरा डिलीटेड फ़ोटो तो आया है, कुछ मेरा डिलीटेड फ़ोटो आया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अंदर मुझे वो भी फ़ोटो शो हो रहे हैं जो कि मेरे फ़ोन में पहले से अवेलेबल है। जी हाँ, मेरे इंटरनल स्टोरेज में पहले से अवेलेबल है वो भी फ़ोटो इसके अंदर, मतलब मुझे शो हो रहे हैं। तो ये तो मैंने कहूँगा कि पूरा फ़ोटो डिलीटेड जितना था उतना ला दिया है, लेकिन कुछ इसने ला दिया है। तो सिंपल आप यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से रिकवर कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ोटो रिकवर करना है सिंपल आपको उस पर टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर सेव वाला बटन आप देख रहे हैं, सिंपल आप यहाँ से क्लिक कर और अपना डिलीटेड फ़ोटो जो वो रिकवर कर सकते हैं। सिंपल बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पर रिकवर ऑडियोज़ पे आते हैं, तो रिकवर ऑडियोज़ भी आप जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई भी रिकवर करना है तो उस पर हम सिंपल टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर सेव वाले बटन पे क्लिक कर और जो वो मतलब इसे रिकवर कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है ये। तो मैंने कहूँगा कि मतलब पूरा डिलीटेड फ़ोटो मुझे शो करवा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने फ़ोन में ट्राई कीजिए, शायद आपके फ़ोन में पूरी फ़ोटोज़ जो शो होने लगे और आपका जो भी फ़ोटो ज़रूरी है वो फ़ोटो आपको मिल जाए। ओके, तो ट्राई कीजिएगा अपने फ़ोन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।